धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 26 जेसी मल्लिक रोड में सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार की उदासीनता देखने को मिल रही है। सड़क बनाने के पूर्व खुदाई कार्य लगभग 15 दिन पहले शुरू हुई, लेकिन लगभग 30 मीटर की सड़क खुदाई कार्य के बाद एक सप्ताह स्थगित रहा है। इसी तरह से लगभग 60 से 70 मीटर के कार्य करने में इन्हें 15 दिन से ज्यादा लग गया। ये सिर्फ खुदाई कार्य है, अभी सड़क निर्माण कार्य बाकी है। मोहल्ले में रहने वाले घरों के सामने सड़क खुदाई हो जाने के कारण नगर निगम का सप्लाई का पानी का पाइप भी टूट गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब सप्लाई पानी खुलता है तो खोदी हुई सड़क तालाब में परिवर्तित हो जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले में एक प्राइवेट स्कूल है, स्कूल के बच्चों को भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों का आवागमन भी बंद है। इस सड़क निर्माण कार्य से महज 100 मीटर की दूरी में नाली निर्माण का कार्य हुआ था, लेकिन वहां भी लगभग एक महीना तक लोगों को इसी तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और वो नाली अभी आधा ही बना हुआ है और उसको मुख्य नाली से जोड़ा नहीं गया है। उस अर्ध निर्मित नाली को बीच रास्ते में ही बंद कर दिया गया है। सुबह सुबह हम लोग को स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो इस रास्ते में जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। हमारा यूनिफॉर्म बहुत गंदा हो जाता है, जिस तरह यहाँ पानी भरा रहता है उस तरह हमें इस रोड को क्रॉस करने में बहुत टाइम लगता है। हम कॉलेज लेट से पहुँचते हैं, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा यूनिफॉर्म गंदा होता है और फिर इस रास्ते में कीचड़ वगैरह भी बहुत हो चुका है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। आ रहे हैं यहाँ पे, चोट भी लग रही है उन्हें। तो फिर सुबह सुबह जब सप्लाई वाला पानी खुलता है तो फिर यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा तालाब बन जाता है। फिर हमें जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, हमें घूम के दूसरा लंबा रास्ता लेना पड़ता है। तो इस वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है और हमें बहुत देर, हमारा टाइम बहुत लॉस हो रहा है। मैं इस मोहल्ले की आज एक माह से रोड बनाने के क्रम में मैंने रोड कोड़ कर छोड़ दिया गया। हमको क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए, दिखा दीजिए जरा। सुबह में तो जब नल खुलता है तो समय यहाँ से वहाँ तक तालाब बन जाता है। आज एक महीना से हम लोग झेल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। रोज रात में आकर तोड़ कर चला जाता है। पाइप भी कबाड़ दिया, सारा पाइप कबाड़ दिया गया। पानी पूरा रोड पर बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं। आज एक महीना से कितने लोगों का पैर हाथ टूट गया इस क्रम में। मोटरसाइकिल हम लोग गिर जाते हैं, उनका हाथ पैर टूट जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले सुभाष भगत का बेटा छुट्टी पर आया था काम करने के लिए यहाँ, और उसका पैर टूट गया इसी नाले में गिरकर, पैर मोटरसाइकिल से। एक मैरापाड़ा का लड़का कहाँ पैर टूट गया इसी क्रम में। आज स्थिति ऐसी है कि कब किसका हाथ पैर टूट जाए कोई ठिकाना नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है। काम करने का तरीका आज बगल में सुभाष भगत का बेटा का पैर टूट गया, मैरापाड़ा के एक लड़के का पैर टूट गया इसी क्रम में। और ये लोग काम करने का तरीका ही अजीब है। 3 दिन काम करते हैं और फिर 8 दिन बंद कर देते हैं, फिर 3 दिन काम करते हैं 8 दिन। मैंने एक सप्ताह के काम को आज एक महीना से लटका कर रखे हैं और यही क्रम चलता आ रहा है। न जाने कब इसका समाधान होगा। कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई पार्षद देखने आता है, ना कोई पदाधिकारी देखने आता है कि हम लोग किस तरह